देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोवेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला को हल्द्वानी से भाजपा ने चुनाव मैदान में उतार दिया है, जहां विधायक प्रत्याशी जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी ऋचा सिंह को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वही विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान को बहुत कम समय शेष रह गया है, जिसको देखते हुए नगर निगम के मेयर और विधायक प्रत्याशी जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला का कहना है कि वे हल्द्वानी के विकास कार्यों को लेकर सदा प्रतिबद्ध रहे हैं और हल्द्वानी को प्रदेश में स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं, जिसको लेकर वे लगातार कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि विगत 25 सालों से लगातार हल्द्वानी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और विधिक चुनावों के माध्यम से उच्च सदन में जाकर क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर वहां पर आवाज उठाना चाहते हैं, जहां उन्होंने विधायक प्रत्याशी चुने जाने पर शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं उनका कहना है कि वे घर घर जाकर जनता का आशीर्वाद लेंगे और हल्द्वानी विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर लगातार कार्य करते रहेंगे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से, संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। 25 वर्षों से शहर में प्रतिनिधि के रूप में हैं, उन लोगों के आशीर्वाद से जनता जनार्दन के आशीर्वाद। और मेरा ध्येय सदैव ये रहा है कि मेरी आई डी पर उच्च से उच्च सदनों में जाऊँ और वहाँ पर जनसंचार के मुद्दों को उठाऊँ। इसी विचार ने मुझे आज हिंदी खबर नहीं देखी, हिंदी खबर हाँ बस बस ठीक। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का प्रदेश का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सिंबल दिया है और मैं आज अपना चुनाव मैदान में हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा शहर बने जिसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, जन सुविधाओं से युक्त सुरक्षित शहर, जहाँ अम्यूजमेंट पार्क से लेकर शहर में स्मार्ट रोड्स हो, स्मार्ट ड्रेनेज हो, स्मार्ट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो, स्मार्ट गैस वितरण का, एलपीजी का वितरण का कार्यक्रम, लगभग एक ऐसा शहर जहाँ हम कह सकते हैं कि हम एक अच्छे शहर में हैं, सुरक्षित शहर में हैं, जन सुविधाओं से युक्त शहर में है, इसके लिए मैं कार्य करूँ। मेरे साहब पिछली बार ना चाहेंगे वो भी विकास को लेके जा रहे हैं। देखिए, हर कोई व्यक्ति विजन में अपने विकास को रखेगा क्योंकि वो उम्मीदवार है। जहाँ तक पूर्व में डॉक्टर श्रीमती इंदिरा जी से मेरा जो चुनाव था उसमें कम अंतराल से मैं रह गया था। मैं लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मुझे आज मेरा जो भी मैं पुनः चुनाव में आया हूँ तो उनके आशीर्वाद से आया हूँ। और समय काल परिस्थिति के हिसाब से राजनीति बदलती है और विकास की सतत प्रक्रिया है, तो ऐसा आकलन करना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से ओतप्रोत होकर मैं भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप ये शहर को जैसा बहुत कम समय रह गया लेकिन लगभग 20-25 वर्षों से मैं जनता के बीच में बना हुआ हूँ और हर गली, हर सोसाइटीज़ में, हर मोहल्लों में मैं जाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो भी 15-14 दिन रह गए हैं, मैं लगभग सभी जगह